मशरूम की सूखी भाजी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है मशरूम, टमाटर, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च। सब तेल में हम सबसे पहले जीरा डालें, फिर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को काट के रखे थे वो डाल दिए, फिर प्याज डाल दिए, फिर इसको हम एक मिनट चला के, दो चार मिनट इसको अच्छी तरह से चला के इसमें हम हरी मिर्च डाल दिए। फिर हम टमाटर जो काट के रखे थे वो डाले, फिर नमक डाल दिए, टमाटर डालते ही स्वाद अनुसार, फिर लाल मिर्च थोड़ी सी पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, फिर मशरूम को डाल दिए और हरी मटर डाल दिए। इसको अच्छी तरह से सब चीज़ों को हम मिला दिए, फिर इसको हम ढक दिए। इसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाया है, मशरूम खुद पानी छोड़ा है, आप देख सकते हैं। मशरूम को ढकने से ये खुद पानी छोड़ता है और इसको हम धीमी आंच पे बना रहे हैं। अब फिर ढक्कन उठा के ढक ढक के हम इसको अच्छी तरह से दो तीन बार ढक्कन हटा हटा के चला दिए हैं। फिर ढक्कन हटा के हम इसको अच्छी तरह से चला रहे हैं। अब मेरी मशरूम पक गई है, ये अच्छी तरह से उबल भी, वो सीज भी गई है, और इसमें अब हम धनिया पाउडर डाल दिए, धनिया पत्ता डाल दिए। इसको चटपटी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी नींबू का रस भी, जब गैस बंद कर देते हैं तब हम थोड़ी सी नींबू का रस डालते हैं चटपटी, इसमें बहुत अच्छी स्वाद आती है। इसको हम रात के रोटी के साथ बनाए थे, इधर हम रोटी भी सेक लिए। ये मेरी बन गई मशरूम की भाजी सूखी, और सूखी मशरूम की भाजी और रोटी तैयार हो गई। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है ऐसे ऐसे भाजी बनाने से, आप एक बार बना के देखेंगे।